हेलो दोस्तों नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन बाजार में तो गिरावट देखने को मिली, बट एक स्टॉक ऐसा था जो कि हम कह सकते हैं पूरे बाजार के फोकस में यहाँ पे था एंड वो बाजार के विपरीत जाते हुए देखने को मिल रहा था। यस, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बहुत दिनों के बाद टाटा मोटर ने एक तरफा हम लोग को जंप दिखाई है, नियर बाय 6% की रैली आज के दिन हम लोग को टाटा मोटर्स में देखने को यहाँ पे मिली है। एंड खास करके जब बाजार यहाँ पे गिर रहा है एंड उसके विपरीत जाके अगर कोई स्टॉक भागता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्क्रीट रीजन होता है एंड वही अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसी के साथ साथ आपके डाउट्स भी आएंगे, क्या इसमें हम लोगों ने बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं लॉजिक के साथ आपके सामने रखने वाला हूँ। पर उससे पहले यहाँ पे रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, जो आपको आसान भाषा में पता होने चाहिए, वो मैंने एक्सेल शीट में मेंटेन किए हैं। तो आपको ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बुलेट पॉइंट्स में हम लोग को सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पे इस जो तेज़ी है टाटा मोटर की उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। मतलब एक होता है दोस्तों मेजर पॉइंट्स, मतलब जिस चीज़ के चलते एक्चुअल में टाटा मोटर भागा है, एंड बाकी में आप लोगों को पता ही है जब भी फिर स्टॉक भागता है तो फिर अदर रीजंस भी, नॉर्मल रीज़न भी हम लोगों को यहाँ पे बताए जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बट मेजर रीजन्स क्या है तो चलिए उसी के साथ यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो मेजर रीज़न है दोस्तों कि टॉप जो ब्रोकरेजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ब्रोकर्स हाउस रहते हैं, उन्होंने टाटा मोटर्स से रिलेटेड बाइंग रिपोर्ट हम लोग को जारी करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया कि टाटा मोटर के शेयर अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना चाहिए एंड अगर है तो क्या करना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने टारगेट भी यहाँ पे मेंशन किए हैं कि टाटा मोटर का शेयर कहाँ तक जा सकता है करके। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बड़े नाम मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। उसमें से एक है CLSA, एक है JP मॉर्गन एंड एक है मॉर्गन स्टैनली। इन्हीं के रिपोर्ट्स के चलते टाटा मोटर के शेयर में आज हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तीनों ने टाटा मोटर के बारे में नेगेटिव तो बोला नहीं है। जैसे कि CLSA की बात करें, उन्होंने कहा कि टाटा मोटर के शेयर को आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। करंट लेवल से एक साल के अंदर अंदर ही स्टॉक आपको 512 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये टारगेट CLSA ने फिलहाल तो दिया है। दैन अगर हम लोग बात करें JP मॉर्गन ने यहाँ पे न्यूट्रल बताया, मतलब पहले जो स्टैंड था वही उन्होंने कंटिन्यू रखने के लिए कहा एंड 400 का ही टारगेट उन्होंने मेंटेन रखा है। एंड मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने हेवी वेट की बात की। हेवी वेट मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर अगर है तो आप और भी ज़बरदस्त तरीके से उसको वेट दे सकते हो। मतलब मॉर्गन स्टैनली सबसे ज़्यादा बुलिश टाटा मोटर की ओर देखने को मिल रहा है एंड उन्होंने यहाँ पे टारगेट 500 रुपये के ही आसपास यहाँ पे दिया है। तो तीनों की अगर हम लोग बात करें जो बड़े ब्रोकरेज हाउस देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने टाटा मोटर के बारे में पॉजिटिव बातें यहाँ पे की है। ये एक रीज़न हम लोग को यहाँ पे साफ साफ देखने को यहाँ पे मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे टाटा मोटर्स के चलते 25% का अपसाइड यहाँ से नज़र आता है, ये भी बातें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो डेफिनेटली ये सारे रिपोर्ट्स जो हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते एक बाजार में पॉजिटिविटी बनी है। बट एक बात बहुत ही कॉमन सेंस वाली है, कौन सी बात, कि इन्होंने अभी सडनली बाइंग की बात यहाँ पे क्यों की है। थोड़ी ना ऐसे ही मन हो गया और बोल दिया कि चलो बाय कर लो करके। तो वाई सो पॉजिटिव, इतने रिपोर्ट्स पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, तो उसके पीछे के एक्चुअल रीज़न क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं रीजन्स के चलते टाटा मोटर में हम लोग को वो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक एक रीजन्स को हम लोग पकड़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैगवार एंड लैंड रोवर, जिसको हम लोग JLR के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर में आपको पता है दो टाइप्स यहाँ पे रहते हैं, एक होता है इंडिया का बिजनेस, स्टैंड अलोन बिजनेस हम लोग बोलते हैं, सेकंड वाला होता है कंसोलिडेटेड बिजनेस, जिसमें पूरे दुनिया में जो उनका जैगवार एंड लैंड रोवर का जो बिजनेस उन्होंने पहले खरीदा था उससे रिलेटेड बातें देखने को मिल जाती हैं। एंड टाटा मोटर की जो पहचान है वो JLR से रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अगर आप उनके कंसोलिडेटेड नंबर्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी के साथ साथ प्रॉफिट जो जनरेट होता है, मतलब जो भी अभी तक प्रॉफिट वैसे कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली है, बट जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है टाटा मोटर के नंबर्स में वो हम लोग को JLR के ओर से ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट के सेल्स के कभी भी आंकड़े सामने आते हैं तो इतना ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट्स बनती नहीं है, बट JLR से रिलेटेड कभी भी खबर सामने आती है तो बड़ी रिपोर्ट्स बनते हुए देखने को मिल जाती है। इसके पहले JLR के नंबर्स बहुत खराब आ रहे थे एंड नेगेटिव रिपोर्ट्स भी पेश की गई थी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने, बट इस वक्त कहानी में ट्विस्ट है एंड इसी ट्विस्ट है मतलब JLR का रिपोर्ट नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं एंड इसी के चलते जो रिपोर्ट सामने आई है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हो कौन सी रिपोर्ट, जैसे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जैगुआर एंड लैंड रोवर की जो सेल्स है वो हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को मिला। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कंसिस्टेंसी। यस, लगातार अभी हम लोग को वो नंबर्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे। पहले कैसे होता था, एक बार अच्छा आया फिर वापस खराब, एक बार अच्छा है थोड़ा सा फ्लैट फिर खराब, पर नहीं, अभी अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली एंड ईयरली अगर आप लगातार कंपैरिजन करोगे तो जेएलआर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। एंड कल के दिन येस्टरडे जैगुआर एंड लैंड रोवर के टाटा मोटर्स ने नंबर पेश किए, क्वार्टर थ्री के अपडेट्स पेश किए एंड वो अपडेट्स बहुत ही कमाल के हैं एंड इसीलिए उन सारी चीज़ों को पकड़कर यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने पॉजिटिव बातें की है। देन पॉइंट नंबर थ्री, जैगुआर एंड लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स में कितनी जंप है, 5.7%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय 80,000 यूनिट्स हम लोग को बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 15% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे बेस्ट अगर हम लोग गोल्डन पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये तो सारा क्या हो गया, ये तो पास्ट हो गया, क्या परफॉर्मेंस दिखाए वो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। ये है दोस्तों फ्यूचर, मतलब भविष्य में टाटा मोटर क्या करेगा इस एक लाइन से हम लोग को पता चलता है, जहाँ पे क्वार्टर थ्री के JLR के ऑर्डर बुक दोस्तों 2,15,000 यूनिट तक जा चुके हैं। मतलब इतने ऑर्डर्स यहाँ पे टाटा मोटर के JLR को बनाने के लिए आ चुके हैं। सो भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर के जो क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे उनमें हम लोग को ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे जैसे वो यूनिट्स बना के बेचेंगे वैसे जैसे वो रेवेन्यूज़ को बुक करते जाएंगे, प्रॉफिट आएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई है एंड इतना जो ऑर्डर मिला है ना 2,15,000 यूनिट्स, ये रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा ऑर्डर टाटा मोटर को कभी भी मिला नहीं है। तो ये सारे रीजंस के चलते यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने क्या कर दिया, टाटा मोटर्स की जो रेटिंग्स है वो बाय की ओर शिफ्ट कर दिया एंड जो टारगेट्स है वो 500 प्लस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। राइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये मेन रीज़न हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों नॉर्मल रीज़न, मतलब अभी पॉजिटिव बातें सामने आ रही ना तो इन बातों को भी बताया जाएगा, जो कि गलत तो बिल्कुल भी नहीं है बट ज़रूर आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि JLR का बड़ा मार्केट कहाँ पे है, चाइना एंड यूरोप। सो चाइना में आप सभी लोगों ने देख लिया कि वापस हम लोग को सारी सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में आते हुए देखने को मिल रही है। यूरोप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्फ्लेशन अभी भी है वहाँ पे, बट थोड़ा थोड़ा करके अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते वहाँ पे JLR की बिक्री अच्छी हो सकती है, एक नॉर्मल रीज़न देखने को मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कमोडिटी के जो मार्केट है उसका जो प्राइसेस जो डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है, ये एक मेन रीजन भी आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि मेटल्स की बात करें, राइट, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस देखने को मिलते थे, इससे रिलेटेड थोड़ा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो इसके चलते ओवरऑल आउटकम क्या आएगा, मार्जिन के इंप्रूवमेंट। मतलब मेटल की अगर हम लोग बात करें, पहले 100 रुपये पे मेटल मिलता था, राइट, अभी वही मेटल अगर मान लीजिए 80 पे मिलेगा तो उनके लिए ये रॉ मटेरियल होता है ऑटो सेक्टर के लिए। तो जितना ये मेटल सस्ता हो जाता है तो उतना ही फ़ायदा ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो टाटा मोटर को भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा एंड मार्जिनस इंप्रूवमेंट की उम्मीदें यहाँ पे बढ़ चुके हैं आने वाले नंबर्स में। देन मूविंग टूवर्ड्स द फ्री कैश फ्लो टारगेट एंड एज वेल एज नेट डेट फ्री बैलेंस शीट। सो टाटा मोटर ने कई टाइम पहले इससे रिलेटेड प्रॉमिस यहाँ पे किए थे, अभी भी उसके लिए टाइम है। उन्होंने 4-5 साल का टाइम मांगा था एंड अभी वो मतलब टाइम अभी हम लोग को नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है एंड उसी के और टाटा मोटर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। सो क्या ये टारगेट वो अचीव कर पाएंगे जिस प्रकार से JLR के ऑर्डर्स उनको यहाँ पे मिले हैं एंड जिस प्रकार से इनकम आने के चांसेस बढ़ चुके हैं? माइट भी वो इन टारगेट्स को जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि आने वाले कुछ समय में अचीव करेंगे, वो शायद से इसको अचीव कर सकते हैं। सो ये पॉजिटिव माहौल अभी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है एंड बाकी के कुछ अदर छोटे मोटे रीजंस जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड देखने को मिल रहा है, जिसमें 85% मार्केट शेयर टाटा मोटर कैप्चर करके बैठा हुआ है। देन इंडिया ने, अभी आप लोगों ने कल की रिपोर्ट भी देखी होगी कि जापान को हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो मार्केट में बीट कर दिया, तीसरे नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। टैक्स एंड GST कलेक्शंस भी हम लोगों ने देख लिए, अच्छे आमदनी हो रही है लोगों की, तो एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें ऑटो एक लग्जरी आइटम माना जाता है। 28% के GST लगाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को डिमांड बढ़ने के चांसेस देखने को शायद से मिल सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ रिपोर्ट ऑन लग्जरी कार, ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में इतना हायर टैक्स लगने के बावजूद लग्जरी गाड़ी खरीदने का जो मतलब डिमांड है वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड JLR की बात करें तो वो लग्जरी गाड़ी के सेगमेंट में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये सारे रीजंस के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन टाटा मोटर ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। और भी अलग अलग छोटे मोटे रीजंस हैं जिसको आप चाहो तो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हो। जैसे कि कंपनी ने कल लेट नाइट ये PDF अपलोड किया था टाटा मोटर ने, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके ओवरऑल ग्लोबल होलसेल जो सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है वो 3 लाख, 3.25 लाख के पार जाते हुए देखने को आप मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। आप चाहो तो वो पीडीएफ को भी इजीली रीड यहाँ पे कर सकते हो, बट जितना मेजर बात था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। सो दोस्तों इसी के चलते टाटा मोटर में आज हम लोग को ये एक तरफा तेजी देखने को आप मिली है। अगर आप गूगल के ऊपर भी जाओगे तो देखिए जो भी बातें मैंने बोली है वही आपको मिलेगा। ये देखिए मोतीलाल ओसवाल की बात करें 25% अपसाइड की वो बात कर रहे हैं। दैन थोड़ा सा एक और आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए CLSA की बात करें तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया, बाय करने की बात की है। दैन होलसेल वॉल्यूम्स जंप कर रहे हैं। ये देखिए 13% की ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सारी बातें जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखी, मार्जिन इंप्रूवमेंट की जो बात मैंने की है वो सारी बातें अभी आप लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ। सो टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी ये डेटा तो बहुत पॉजिटिव देखने को मिला है अभी, नो डाउट। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का क्या आएगा, बहुत ही कॉमन सवाल है, क्या हम लोग भी टाटा मोटर को बाय करें? देखिए अगेन वही चीज़ यहाँ पे सामने आ जाती है, सिर्फ तेज़ी आ गई राइट, या फिर ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे, इसीलिए अगर आप जाके बाय कर रहे हो तो वो गलत बात है। क्या आपको वाकई में टाटा मोटर पे भरोसा है? ये सबसे मेन सवाल खुद को आप पूछो, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है। मान लीजिए अगर निफ्टी में अगर कुछ हो गया, गिरावट आ गई तो ये स्टॉक वापस नीचे आ जाएगा, 350 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो क्या आप उस लेवल पे एवरेज करने के लिए रेडी हो? एवरेज वही करता है जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर, उसके भविष्य को देखकर ये डिसाइड करता है कि हाँ ये कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी एंड वो बाय करता है। तो वो जब कंपनी भविष्य में जब नीचे आएगी, कभी अगर आई तो फिर आप लोग बिंदास वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सोचनी होती है। ऐसा नहीं कि आज ये स्टॉक यहाँ पे भाग रहा है इसलिए आप लोगों ने बाय किया। क्या आप भविष्य में भी अगर ये 350 आ गया, 300 आ गया तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर पाओगे? एंड ये वही कर पाता है, जैसे मैंने कहा, जो कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा रखता है, ना कि आज की सिर्फ एक तेज़ी देख ली और जंप कर ली। ये तेज़ी है, कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, वापस अगर नीचे आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे हम तो ट्रैप हो गए। आप ट्रैप नहीं हुए हैं, ये लॉन्ग टर्म का खेल है। ये समझो, ये जितने भी टारगेट्स उन्होंने बताया ना, मैं इनके कोई टारगेट्स के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। बट फिर भी ये जो इनके टारगेट्स होते हैं वो कोई 2 दिन के टारगेट नहीं है कि 2 दिन में 500 जाएगा, ये 1 साल के टारगेट होते हैं। याद रखना, जितने भी ब्रोकरेज हाउस टारगेट्स देते ना, अगर वो मेंशन नहीं करते टाइम पीरियड को तो वो हमेशा 365 डेज मतलब 1 साल का टारगेट होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर कोई ख़राब नहीं है, बट अगर आप बाय करना चाहते हो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो पहले सवाल पूछो क्यों आप बाय करना चाहते हो। बस आज के दिन में हरियाली देखने को मिली इसीलिए, तो ये बहुत ही गलत रीज़न है। ऐसा आज भागा है, कभी ना कभी वापस भविष्य में गिर भी सकता है। अभी आगे भविष्य में इनके नंबर्स आएंगे, मान लीजिए नंबर अच्छे नहीं आए, वापस गिर गए तो टाटा मोटर उन्हीं लोगों ने खरीदना चाहिए जो कि इन कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस रख सकता है, जो भरोसा करता है। क्योंकि अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो इतनी कुछ तगड़ी बैलेंस शीट नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा कर्जा भी देखने को मिल जाएगा। देन अगर आप लोग कंपनी का P&L देखने को जाओगे तो आप चेक कर सकते हो कंपनी के जो रिटर्न है वो तो माइनस में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा माइनस में। अगर आप यहाँ पे कंपनी के P&L को चेक करोगे तो कंपनी लॉस में ही चल रही, फिर भी लोग क्यों निवेश कर रहे? भविष्य को देख के कि एंड भविष्य क्या है इसका, लगभग 5 से 10 साल का टाइम पीरियड रखना पड़ेगा। एंड ये जो भविष्य की बात होती है वो कंप्लीटली अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पकड़कर ही चल रही है, जहाँ पर ये 85% मार्केट शेयर लेकर आगे लीड कर रहा है। सो खुद को सवाल पूछिए, क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल ये मॉडल चलेगा? इस सवाल का जवाब ना है तो फिर टाटा मोटर क्या, जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी स्टॉक में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करने वाला। अगर आपका सवाल का जवाब ये है कि हाँ मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा करेगा एंड टाटा मोटर अच्छा करेगा, देन गो फॉर इट। सिर्फ इसीलिए नहीं कि स्टॉक भाग रहा है करके, राइट। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड ज़्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो डेफिनेटली मैं इतना कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर भविष्य में 5 से 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। जो अर्ली स्टार्ट इन्होंने किया है पूरी तरीके से बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को उन्होंने पीछे यहाँ पे छोड़ा है, तो इसका अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। जब मारुति अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करेगी ना, उन्होंने बोला है 2025 में, तब टाटा मोटर ऑलरेडी अपनी 10 गाड़ियाँ बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल उतार चुका होगा। ये उन्होंने टारगेट्स ऑलरेडी दिए रखे हुए हैं एंड ऑलरेडी उनकी गाड़ियाँ बाजार में आ चुकी हैं। एंड प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में 10 लाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इतनी सस्ती गाड़ी वो बाजार में उतारने का प्लान कर चुके हैं। सो ये भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब अफोर्डेबल गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम लोग बोलते हैं ना। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बदनाम क्यों है, बहुत महंगी है करके, जो कि जेन्युइन बात भी है, बैटरीज बहुत महंगी होती है। बट टाटा मोटर ने बताया कि आने वाले समय में वो उसको अफोर्डेबल करने वाले, सस्ते भी करने वाले हैं। सो एक बार ये सारी चीज़ें अगर हो गई एंड लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना स्टार्ट कर लिया तो डेफिनेटली टाटा मोटर को इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। सो इन सारी थियोरी के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हो तो फिर आप टाटा मोटर को खरीद के लंबी अवधि के लिए होल्ड करने का विचार कर सकते हो, अन्यथा सिर्फ आज की तेजी देखकर डिसीजन मत ले लेना। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स थे, पॉइंट्स थे, न्यूज़ थी, सारे मेजर चीज़ों को मैंने कवर किया, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।